क्या है? मेरा यह नव जागरण की जो रैली है, इनका मुख्य उद्देश्य है छात्रों का जो आज संपूर्ण क्षेत्र में शोषण चल रहा है उसके खिलाफ यह नव जागरण है। हम यह मांग करने के लिए नव जागरण कर रहे हैं, सभी को जगा रहे हैं। आज जो ये छात्रों का शोषण चल रहा है, चाहे वह रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे वह राजनीतिक हस्तक्षेप करके छात्र की शक्तियों को खंड खंड कर दिया जा रहा है, जिससे छात्र न एकत्रित हो पा रहे हैं, न शोषण के खिलाफ लड़ पा रहे हैं। ये छात्रों, आप याद रखें, आप इस देश की शक्ति हैं, आप राष्ट्र शक्ति हैं। यदि आप यदि खंड के टुकड़ों में बट जाएंगे तो फिर इस देश का भला कौन कर पाएगा? इतिहास में पहले संपूर्ण क्रांति हुआ था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, फिर से एक क्रांति की आवश्यकता है जिसमें यूपीएसएफ के पहले छात्रों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, समान शिक्षा मिलनी चाहिए। आज प्राइवेट स्कूल की कुछ और शिक्षा व्यवस्था है, सरकारी स्कूल की कुछ और व्यवस्था है। इन सभी शिक्षा व्यवस्थाओं में जो भेदभाव है वह आगे चल करके सामाजिक भेदभाव में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इस भेदभाव को खत्म कर दिया जाए, यही हमारे यूपीएसएफ का मांग है। आज एसएससी पेपर लीक, विभिन्न सारे कंपटीशन में अनगिनत रुपये लिया जाते हैं फॉर्म भरने का, और सेंटर भी इतने दूर किया जाता है जहाँ स्टूडेंट जाने में आने में तबियत खराब हो जाता है, वह अपना एग्जाम वह अपना परीक्षा अच्छे दृष्टिकोण से नहीं दे पाता है। हमारा उद्देश्य है इन सभी शोषण के खिलाफ लड़ा जाए। ये न्यूज आप कहाँ तक देना चाहते हैं? जिंदाबाद। ये न्यूज आप कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? यह न्यूज हम विश्व के हर वो मानव तक पहुँचाना चाहते हैं जो इस देश का शुभ चिंतक है, इस समाज का शुभ चिंतक है। यूपीएसएफ जिंदा।